नहीं पहुंचा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल ज़रूर दे दे ताकि मैं उन्हें अपना रिजल्ट बता सकूं एंड विनर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है थोड़ी देर बाद की वीडियो में अनाउंस कर दिया जाएगा। सो गाइज अब मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं एंड स्क्रीन पे पेश करता हूँ पहला क्वेश्चन, सुमेलिका लाइव कब आएंगे। सो गाइज सुमेध एंड मल्लिका लाइव कब आएंगे आपको बहुत इंतज़ार रहता है, मुझे भी रहता है, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है एंड जब भी लाइव सेशन का कोई भी अपडेट होगा आपको चैनल पे वीडियो और कम्युनिटी दोनों के फॉर्म में मिल जाएगा। सो गाइस टेंशन ना लें एंड जब भी वो लोग लाइव आएंगे आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन होता है ना उसको प्रेस कर लिया करो जिससे मेरे यहाँ से कोई भी पोस्ट वगैरह वीडियो वगैरह होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए टाइम से। अब चलते हैं सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पे, वो है रिलेशनशिप ऑफ सुमेलिका, क्या वो रिलेशनशिप में है या फिर वो सिर्फ एक फ्रेंड है। तो गाइस ऑफिशियली तो उनकी तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि वो रिलेशनशिप में है या नहीं, लेकिन इतना कंफर्म्ड है कि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो गाइस वो बहुत ही अच्छे दोस्त है, दोनों की बॉन्डिंग का भी कोई तोड़ नहीं है एंड दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं एंड केयर करते हैं। तो गाइस हमारे लिए भी अभी इतना ही बहुत है जब तक कुछ आता नहीं है ऑफिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीम्स पर वीडियो बनाओ। तो गाइस मीम्स पर वैसे तो पार्ट 5 तक अभी बन ही चुके हैं एंड पार्ट 6 भी जल्दी ही आने वाला है। तो गाइस रेगुलरली वैसे मीम्स पर वीडियो आ ही रही है, अभी 3-4 दिन पहले ही पार्ट 5 रिलीज़ किया गया है। तो गाइस मीम्स बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है एंड कहीं कुछ गलत ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा उन्हें टाइम देना पड़ता है, इसलिए अगर मैं रोज़ भी मीम्स पर वीडियो डालूंगा तो भी आपको जो है बोरियत महसूस होने लगेगी, इसलिए जो है थोड़ा वेट सही रहता है, इसलिए बहुत जल्दी आएगा पार्ट 6 भी, इतना ही बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित तक की हेडलाइंस कहाँ से लाते हो। तो गाइस सुमित तक जो है ऐसे ही हमने मस्ती मजाक में शुरू किया था कि आज तक जो न्यूज़ चैनल है उसको देख के, सो गाइस जो हेडलाइंस है वो मेरी खुद की बनाई हुई होती है एंड ऐसी होती है कि किसी को उससे ना तो बुरा लगे बस वो जो है आपको हंसी दिला सके, वो मजाक कर सके, बस इतने से उसका मोटो होता है। एंड थैंक यू आप बहुत सपोर्ट करते हो सुमित तक को भी, जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आई थी गोपा देवी वाली उस पर भी अराउंड 2000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू सुमित तक को इतना प्यार देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमन्यु कौन होगा और क्या अभिमन्यु को शो में दिखाया जाएगा। सो गाइस सीरियल की स्टोरी ट्रैक के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता एंड अभी तक अभिमन्यु तो कोई फिक्स है नहीं वैसे, तो सीरियल का अपकमिंग ट्रैक कैसा हो क्या हो वो तो हमें देखने पे ही पता चले। अब जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है वो अप्रोक्स हर किसी के मन का क्वेश्चन है, क्या राधा कृष्ण के गोलोक मिलन के बाद होली 2021 पे राधा कृष्ण सीरियल खत्म हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था उसके बाद ही जो है आप सभी लोग बड़े उदास हो गए थे, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा मैंने उस वीडियो में एक भी बार ये नहीं बोला था कि 2021 होली के बाद राधा कृष्णा शो खत्म हो जाएगा, मैंने ये बोला था 2021 होली पर जो है राधा कृष्णा को का जो है गोलोक मिलन दिखाया जाएगा, तो शो खत्म होने की बात नहीं की है एंड सब कुछ अब मेकर्स पर डिपेंड होता है वो शो को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो गाइस एक दिन तो ऐसा आना ही है जब राधा कृष्णा खत्म होना ही है, तो गाइस सुमेलिका जो है क्या राधा कृष्णा खत्म होने के बाद साथ काम करेंगे। सो गाइस ये क्वेश्चन जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है ना वो हम पे डिपेंड करता है, वो होते हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे। तो गाइस कौन डायरेक्टर जो है सुमेध और मल्लिका को हायर करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, कास्टिंग टीम पर डिपेंड करता है कि क्या वो सुमेध और मल्लिका को अपकमिंग शो में साथ दिखाना चाहते हैं या नहीं। सो गाइज वो तो फ्यूचर की बात है, वो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या राधा कृष्णा रीटेलीकास्ट होगा और किस चैनल पे। सो गाइज राधा कृष्णा शो खत्म होने के बाद रीटेलीकास्ट तो वैसे होना चाहिए क्योंकि जो मस्ती थी पहले सीजन में वो अभी नहीं मिल रही है। सो गाइज अगर रीटेलीकास्ट होता है तो या तो वो स्टार भारत पे होगा और या फिर स्टार प्लस पे होगा, जैसा कि लॉकडाउन में स्टार प्लस पे शुरू हुआ था वैसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सरप्राइज लाइव सेशन का क्या हुआ। सो गाइस आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहूँगा, आपको क्लियर वे बता देता हूँ कि गाइस हाँ मैंने अप्रोच किया था राधा कृष्णा टीम मेंबर्स को लाइव सेशन के लिए एंड उन्होंने हाँ भी करी थी, वो आप सभी के साथ जो है लाइव सेशन करना भी चाहते थे, लेकिन अब सीन ये हुआ है कि जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ है एंड अज्ञातवास वगैरह एंड अब जो है महाभारत युद्ध जो है कुछ टाइम में शुरू हो जाएगा उसके लिए शूटिंग में उनको टाइम ज़्यादा देना पड़ रहा है,
सो गाइस शूट ज़्यादा समय का होता है तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसा नहीं है लाइव सेशन कैंसिल ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, जब भी लाइव सेशन होना होगा मैं आपको नोटिफाई कर ही दूंगा। गाइस ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा आप भी कंडीशंस को समझिए, अभी कोविड की जो सिचुएशन है तो शूटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड अभी जो है सभी मेंबर्स का रोल बराबरी का है, इसलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मुझे यकीन नहीं था कि इतने लोगों ने पूछा है, आपके बारे में कुछ बताइए। सो गाइस आप सभी लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, एंड मैं यही बोलूँगा कि मैं भी आपकी तरह राधा कृष्णा सुमेधन मल्लिका का फ़ैन हूँ, एंड बस ये अंतर है कि आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा देता हूँ। एंड गाइस अभी तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी आप ये समझिए कि अक्टूबर में जो है मैं पूरा ट्राई करूँगा कि जैसे हम अभी क्वेश्चन आंसर सेशंस वगैरह वीडियो फॉर्मेट में कर रहे हैं, क्विज के रिजल्ट वगैरह हम वीडियो फॉर्मेट में कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी जो है अक्टूबर समथिंग तक आपको वेट करना होगा, मैं खुद लाइव आके जो है आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी दूंगा, लाइव आप लोगों से बातचीत भी करूंगा, रिजल्ट अनाउंसमेंट क्विज वगैरह जो है सब कुछ लाइव किया जाएगा। सो गाइस थोड़ा सा वेट रखिए और अभी जो है मेरे नाम को भी सस्पेंस ही रहने दीजिए। एंड गाइस बहुत सारे लोगों का आप में से क्वेश्चन था, सुमित भैया को चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, मल्लिका दीदी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो गाइस उन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, नीचे जो आपको सुमेलिका वर्ल्ड नाम दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करोगे आप तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, एंड उसमें जो है सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ, एंड मैंने आप सभी का एक एक कमेंट जो है बारीकी से पढ़ा है, एंड फिर मैंने उसे लाइक भी किया है और हर्ट भी किया है, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि किसी का कमेंट छूटा तो नहीं, एंड मैंने मोस्टली लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी का आंसर देने का जो है वो भी ट्राई किया है। एंड एक क्वेश्चन अभी मुझे दिख गया, 100 वर्ष का जब बात करिए किसने, तो आपको मैं बता दूँ राधा कृष्णा की अभी उम्र फिलहाल शो में 64 ईयर्स हो गई है, एंड 36 ईयर्स की अभी स्टोरी पृथ्वी की और बाकी है, जैसा कि मैं पहले भी आप सभी को बता चुका हूँ। सो आप टेंशन ना लें, शो अभी चलने वाला है, एंड हैप्पी हो जाएं, एंड ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड आपको क्विज का भी मैं बता देता हूँ, क्विज जो है अगले सैटरडे को होना है फिर से। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, इस वीडियो पे एम करते हैं पूरे 300 लाइक्स के लिए, एंड मुझे पता है आप 300 लाइक्स कर ही देंगे, एंड चैनल पे ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।